इस साइड में ऐसे करके फिर इसको उल्टा करना है यूं वाला, ठीक है, जो सूखा एरिया है ना यहाँ, फिर उल्टे से सूखे से इधर खींच लेते हैं यूं, ठीक है दोस्त। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे खुशी पोल्ट्री व्लॉग्स में। आज कुल्हाड़ी और घाती लेके दोस्तों हम फार्म की रेकिंग करने जा रहे हैं। एक भाई ने पूछा था कि यार ये जुगाड़ जो है रेकिंग करने का कितने का आता है, और इसकी फोटो भेजे, तो इसमें देख लो आप फोटो इसकी। ये हमारे खोड़ खांचने काम में आते हैं, हमारे जब हम धान बाते हैं दोस्तों गेहूं, तो उसका खोड़ खांचते हैं उसके काम में आती है ये। इसकी प्राइस पहले थी 150, अब कर दिए दो सौ रुपये, यहीं बेचना आती है वो लुगाई, उससे लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो इसकी रेकिंग करते हैं, वो बताते हैं आपको किस तरीके से करते हैं। ऐसे डाल करके जहाँ जहाँ पानी के बर्तन के पास में ज़्यादा हमारे जो है गीला होता है, तो उसको हम एक साइड में यूँ कर देते हैं दोस्तों, ताकि वो सूख जाता है। अगर ज़्यादा गीला होता है तो उसको बाहर फेंकना पड़ता है, लेकिन हम डेली रेकिंग कर रहे हैं अभी, तो डेली रेकिंग में बहुत कम मात्रा में, क्योंकि रात को जब पर्दे बंद होते हैं दोस्तों तो वो क्या फिर सीलन पकड़ता है, अंदर हवा नहीं लगती है ना इसलिए, क्योंकि दिन में तो हम इसको खोल देते हैं। तो इस साइड में ऐसे करके फिर इसको उल्टा करना है यूं वाला, ठीक है, जो सूखा एरिया है ना यहाँ, फिर उल्टे से सूखे से इधर खींच लेते हैं यूं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए तो गीला एक साइड में हो गया, सूखा इधर करके इसको यूं कर देंगे। अब छोड़ इसको, अब देखिए बिल्कुल एकदम से सूखा हो गया। तो ये हमारा रेकिंग करने का तरीका है दोस्तों, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो हमको डेली इसकी रेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप भी ये फॉर्मूला अपना सकते हैं, बिल्कुल जो है ये सस्ता जुगाड़ है। 200 रुपये में लेकर के अपन, वो मशीन आती है दोस्तों रेकी करने की, लेकिन वो बहुत महंगी आती है, तो अपन को फार्मर में ज़्यादा पैसे तो इन्वेस्ट करने ही नहीं है। जितना हो सकता है अपन को देसी जुगाड़ काम में लेना है, और देसी जुगाड़ से ही काम चलाना है दोस्तों। तो इससे क्या है, पैसे भी कम लगेंगे अपना और जुगाड़ भी हो जाएगा। ज़्यादा गीला होता है दोस्तों तब हम क्या करते हैं, इसको बाहर फेंक के और फिर यहाँ पर नया बुरादा डालते हैं, लेकिन अभी जो है इधर गीला एक साइड में करके सूखा ले लेते हैं ऐसे उल्टा करके, क्योंकि उल्टा करने से इधर ये जो इधर सूखा माल है वो इधर आ जाता है, और कल तक ये सूख जाएगा, अभी दिन में हवा लगेगी तो, ठीक है दोस्तों। तो हर पानी के बर्तन के पास में हल्का हल्का गीला हुआ, बाकी हमारे शेड सूखा है, आप देख सकते हैं इधर दिखा लीटर बिना पानी का नहीं है, वहाँ पे देखिए बिल्कुल चिल्ड है मामला, देख ठीक है। और यहाँ पे भी इतना गीला नहीं है, लेकिन ये क्या है जो है थोड़ा थोड़ा गीला सीलन पकड़ रहा है, तो अपन तो क्या है थोड़ा होते ही बीमारी की जड़ को ही पकड़ लेते तुरंत प्रभाव से, अगर ज़्यादा गीला होने के बाद में तो अपने बस की बात नहीं होती फिर, क्योंकि फिर बर्ड्स के अंदर दिक्कत होने लग जाती है दोस्तों, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसको सुधार करने का। तो अपन क्या हाथों हाथ ही लगे अपन को कि हल्का गीला वाला डेली लगा देते हैं, यार काम तो अपन को करना ही होता है, ये चीज़ है। ये छोटी छोटी बातें जो भी होती है दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। यार मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें आप, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यार दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा, दूसरे फार्म पे जा जाके भी आपको वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा कि वो कैसे काम करते हैं। हमारे अजमेर क्षेत्र के अंदर जितने भी टॉप 10 फार्मर हैं उन सभी की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि मैं फार्म में भी काम करता हूँ ना, तो इससे थोड़ा समय निकालूंगा। समय निकाल करके जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ में उनकी वीडियो शेयर करूँगा, उनका अनुभव भी शेयर करूँगा, और वो उनके शेड में किस तरह काम करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए क्या है कि मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं दोस्तों, मेरी वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं उसको आप आगे शेयर करें। और दोस्तों अगर नए रहते हो हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइबर जरूर करें, मैं हर वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, अब की बार तो मैंने 20 बार बोल दिया इस वीडियो में, फिर भी दोस्तों आप करते नहीं हो, आपका कुछ नहीं जाएगा, एक छोटी सी उंगली इसको लाल लाल पे दबा देना, मेरा काम हो जाएगा बस, ठीक है। और बाकी मैं नई नई टिप्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा दोस्तों अपने फार्म संबंधित, और ये जीवन जो है ऐसे ही गुजर जाएगा दोस्तों, ये अलबाणी कुश्या बातें बातें ही बूढ़ा हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों हर फार्मर भाई करता है ये काम हमारे इस साइड में, तो आपकी साइड भी अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी, अगर जो भी फार्मर भाई ये काम करते हैं तो उनको मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत के फार्म में कोई भी पैसा नहीं उठा सकता, ये मैं बता सकता हूँ। एक बार गलती से आ जाता है दूसरी बार आ जाता है, लेकिन बार बार पैसा गलती से नहीं आता है। तो जो फार्मर भाई जो है फार्म में काम करता है मेहनत अच्छी तरह से, वो ही पैसे कमा के जाता है भैया, नहीं तो फार्म एक ऐसी चीज़ है सिर के सारे बाल उड़ा देते हैं, गंजा करके छोड़ देते हैं, ताकि रोड पर सब हंसते रहते हैं, ऐसा है दोस्तों। इसलिए क्या है कि अपन को फार्म के अंदर बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है,
और काम करेंगे दोस्तों जब भी दो पैसे आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो फार्म में काम करने का मन भी नहीं करता दोस्तों। अच्छा पेमेंट आता है ना तब फार्मर का मन करता है 5 दिन में बर्ड्स फार्म को तैयार करके दोबारा बर्ड्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिस बार अगर पेमेंट नहीं बनता अच्छा पटक देते हैं साले को, छोड़ रहे हटा बीमारी है ये तो। इसलिए दोस्तों अपन पहले से मन लगा के काम करें ताकि दो पैसे बन जाएं, और दो पैसे बनेंगे तो अपन जो है दोबारा बर्ड्स टाइम पे ले लेंगे। तो मेरा तो इतना ही कहना है दोस्तों, अब ये छोटा सा ही काम की वीडियो बनाई है मैंने तो वो आपके साथ मैंने शेयर करी है। तो किसी के पास ये नहीं हो तो मेरे से संपर्क करें, हमारे एक लोहारणी माई है जिसका नंबर दे दूंगा, वो आपको शेयर सेल कर देगी वहाँ पे, ये 200 रुपये की आती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय श्री राम।